अमर शहीद राजकुमार गजराज सिंह के बलिदान को नरसिंहपुर के हीरापुर में याद किया गया। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शहीद परिवार के वाशिंदों का सम्मान भी किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है, हमारी यह समस्या बहुत पुरानी है जिसके बारे में हम कई बार स्थानीय नेताओं सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी या नेता ने हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया है, जिसके चलते हमें और हमारे बच्चों को हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वर्षता के समय तो हम लोगों को हफ्ते भर नदी का जल स्तर कम होने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी नेता या अधिकारी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। मैं तलैया टूला सेवदनगर पढ़ने जाता हूँ, तो यहाँ पर बीच में नदी पड़ती है और नदी में ज़्यादा पानी हो गया है तो मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, और वहाँ पर कच्चा पुल भी बना है, इसके कारण पानी रुक रहा है, तो पानी ओवरलोड जाने के कारण हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नंदा है, मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ और तलैया टूला से हृदयनगर स्कूल पढ़ाई करने जाती हूँ, पर इधर पानी आ गया है, जिस पुल बनाया गया है कच्चा पुल, जिसके कारण पानी रुक गया है और हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हम लोगों ने कई बार शिकायत की है मगर इधर का कुछ भी नहीं हो रहा है। बोले हैं कि इधर पर हम एक नाव की व्यवस्था करेंगे और मोटरम डलवाएंगे जिसमें से आप लोग स्कूल जा पाएंगे। जा रहे हैं और उन्हें मजबूर होकर के इस रोड पर उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ रही है, और ये समस्या हमेशा की रह चुकी है। हम सभी जगह शिकायत कर चुके हैं, कलेक्टर साहब के पास शिकायत कर चुके हैं कि हमें पुल चाहिए, इस मार्ग पे पक्का रोड चाहिए। सारे राजनेताओं के पास भी हमने आवेदन दिए, बार बार उनके पास जाकर के हमने कलेक्ट्रेट पे जन सुनवाई पे गए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का हम लोगों को राहत नहीं मिल पाया है, ना ही प्रशासन से, ना ही यहाँ के राजनेताओं से। इसलिए बच्चे परेशान होकर के, ग्रामीण परेशान होकर के, और आज इस रोड पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और ग्रामीण भी इस में अपना योगदान दे रहे हैं। कलेक्टर साहब के निर्देश पर मैं यहाँ पर आया तो यहाँ देखा कि बच्चे 8वीं और जो बड़ी कक्षाओं के बच्चे हैं वो यहाँ तलैया टोला से जो है निकल करके हृदय नगर जाते हैं, बीच में नदी पड़ती है जिसमें पुल भी नहीं है और काफ़ी पानी भरा हुआ था, जिस कारण बच्चों को आने जाने में सुविधा हो रही है। आसपास लोगों से संपर्क करने पर यह पता चला है कि कुछ लोगों ने यह बताया कि मटियारी डैम का पानी छूटा है जिसके कारण पानी ओवरफ्लो हो रहा है, और कुछ लोगों द्वारा ये बताया गया कि जो एक कच्चा पुल बीच में निर्मित होता है वो गलत तरीके से इस साल बनाया गया, इस कारण पानी रुक रहा है यहाँ पर। तो अभी हम जाकर के उस पुल का निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ पर पानी निकासी की जो आवश्यक व्यवस्था होगी वो करेंगे, और टेम्परेरी व्यवस्था के रूप में जो पुल के ठेकेदार है वो यहाँ नाव की व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों को समझाया गया है स्कूल जाने के लिए, और कोशिश करेंगे जो पुल की मांग है वो हम आज ही शासन स्तर तक पहुंचा रहे हैं।